शादी के 9 महीने बाद प्रियंका चोपड़ा ने खोले बेडरूम के राज, बताई पति की अजीबोगरीब आदत। देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा ने बीते साल दिसंबर में अमेरिकी सिंगर निक जोनस से शादी की थी। दोनों सितारों ने 1 और 2 दिसंबर को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में शादी की रस्में पूरी की थी। दोनों शादी के बाद से सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज के जरिए छाए रहते हैं। अब देसी गर्ल ने शादी के 9 महीने बाद अपनी निजी जिंदगी के राज खोले हैं। कभी दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो कभी टांग खिंचाई। हाल ही में ऑनलाइन मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस को लेकर कई पर्सनल बातें शेयर की हैं। बता दें कि इस बीच प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी के करीब 9 महीने बाद बेडरूम के राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि बेडरूम में उनके और निक के रिश्ते कैसे हैं। प्रियंका ने ये भी कहा, निक मुझे जब ऐसे देखते हैं तो मैं कहती हूँ, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ। मेरी आंखें नींद में होती हैं, लेकिन वो फिर भी देखते हैं। वे बहुत ही अमेजिंग और सुपर स्वीट हैं। मेरी आंखें उस वक्त भारी होती हैं, लेकिन उन्हें वे बहुत प्यारी लगती हैं। प्रियंका को निक की ये हरकत थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन वो खुद को बेहद खुशनसीब समझती हैं कि उन्हें इतना प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिला है। इंटरव्यू के दौरान जब देसी गर्ला से यह पूछा गया कि निक उनके मेकअप और स्टाइल के बारे में क्या सोचते हैं, तो इस पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि उन्हें उनका स्टाइल और मेकअप दोनों पसंद आता है। कई मौकों पर तो उन्हें उनकी नेचुरल चीजें पसंद आती हैं। प्रियंका बताती हैं कि निक उनके मेकअप से लेकर उनकी स्टाइलिंग तक सभी चीजों की सराहना करते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंट भी कराते हैं। बता दें कि निक जोनस और प्रियंका दोनों ही अपने अपने प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी रहते हैं, बावजूद उसके दोनों एक दूसरे को वक्त देना नहीं भूलते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं और साथ घूमने जाते हैं। बता दें कि अभिनेत्री प्रियंका एक हॉलीवुड फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई थी, जिसका नाम इस नोटी रोमांटिक है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड फिल्म द स्काई इज पिंक में भी प्रियंका नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ फरहान अख्तर और जायरा वसीम भी नजर आएंगी।